लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका योर टॉपिक के थर्ड एपिसोड में। और आज का टॉपिक हमें दिया है इमरान ने, जिनका ये कहना है कि एक लड़की लड़के से रिलेशन स्टार्ट करने से पहले उसका फेस देखती है या उसका नेचर। तो आइए इसके पीछे की रियलिटी देखते हैं। मेरा नाम है मिस्टर शेख और आपका ज्यादा डेटा वेस्ट ना करते हुए लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में एक अच्छे रिलेशन के लिए, एक लॉन्ग टाइम रिलेशन के लिए नेचर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छे नेचर से एक अच्छा ट्रस्ट बनता है जिससे हमारा रिलेशन लॉन्ग टाइम तक चलता है। पर फिर भी ये चीज एक लड़की से ज्यादा पूछी जाती है कि वो एक लड़के में नेचर देखती है या उसका फेस, क्योंकि कोई भी लड़का ना तो लड़की में नेचर देखता है और ना ही उसका फेस। तो दोस्तों, ये तो सच है कि लड़कियां लॉन्ग टाइम रिलेशन उनसे ही करती है जिनका नेचर अच्छा होता है, लेकिन चलते फिरते किसी का नेचर नजर नहीं आता। नेचर को दिखाया नहीं जाता, वो सिर्फ फील होता है, और उसे फील करने के लिए कुछ टाइम की दोस्ती या थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। तो मतलब आपका अच्छा नेचर है ये किसी लड़की को दिखाने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत एवरेज या अच्छा सा फेस भी होना चाहिए, वरना वो लड़की आपका नेचर फील कर ही नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़के का अच्छा फेस होने से लड़की आपके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशन में आ जाएगी तो ये गलत है। अच्छा फेस होने से लड़की आपसे दोस्ती भले ही कर ले, पर अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो वो रिलेशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकता। अगर आपका नेचर अच्छा है और लड़की ने आपसे दोस्ती कर ली तो वो रिलेशन लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि लड़की को उस पर ट्रस्ट हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी कहते हैं कि हूर के हाथ में लंगूर। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मैंने कहा था ना इस टाइम के लिए, तुम्हें मैंने एक फोटो दी थी, ये अब तो बेइज्जती हो गई। तो इमरान, आपके टॉपिक पे बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप भी हमें कोई अपना टॉपिक देना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर नीचे कमेंट्स पे अपने टॉपिक बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।